हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल था एग्जांपल 4.1, उसमें यहाँ तक हमने देखा था कि भाई टेन थीटा जो है उसका एंगल हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, भाई टेन थीटा ये होता है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 0.343 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? सो उसके लिए हमें नेचुरल टेंजेंट्स चाहिए। तो नेचुरल टेंजेंट्स क्या होता है? तो इस टाइप का एक टेबल होता है, यहाँ पे ऊपर लिखा है नेचुरल टेंजेंट्स, ठीक है। अब देखो कि भाई हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, तो हमें वैल्यू चाहिए 0.343, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल टेंजेंट्स है, फिर यहाँ पे है ये देखो नेचुरल साइन है, अगर आपको साइन की कोई वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहाँ पे एंटी लॉग है, फिर वैसे यहाँ पे लॉग होता है। ऐसी बुक आती है, वो नवनीत की आती है लॉग बुक, वो कुछ 25-30 रुपए की आती है, वो आपको लेनी पड़ेगी अगर इसमें जो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं उसके लिए। चलो, अगर टेन थीटा देखना है तो नेचुरल टेंजेंट्स में जाएंगे। कितनी वैल्यू है? 0.343। चलो फाइंड कैसे करते हैं, याद रखो, अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। फॉन्ट्स छोटे होंगे, मे बी आपको ना दिखे। अब 0.343, तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो है ना वो डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा है? डिग्री, मतलब भाई 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये है, ठीक है। और ये सब है उसके टाइम्स, वो क्या है मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। पहले देखो कि हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 0.343। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट किए हुए, आपको अगर नहीं दिखेंगे बट यहाँ पे सारे डॉट किए हुए हैं, मतलब ये सारी वैल्यू जीरो पॉइंट के बाद की है। और हमें जो फाइंड करना है, वो जो फाइंड करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भी हमें 0.343 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 0.343। चलो, तो यहाँ पे देखो 343 कहाँ आता है, तो ये रहा 343, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई पीछे ज़ीरो होगा, सो 3430। तो यहाँ पे देखो 3424 है, और उसके बाद डायरेक्टली आ गया 3443, मतलब कि 3424, अभी जो आपके पास वैल्यू है ना, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ कि आपके पास भी क्या वैल्यू है। तो आपके पास एक वैल्यू है 3424। कुछ चीज़ें ऑनलाइन में एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ही दिक्कत वाला काम है। 0.3424, चलो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 3424। अब 3424 के रीडिंग देखो, तो भाई 3424 में रीडिंग क्या है भाई? ये है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री और 3424 कहाँ गया वापिस, ये रहा। और उसके ऊपर टाइम क्या है, तो बोले 0.9, ये 0.9 है, तो 18.9 डिग्री। इसका आंसर क्या आया? 18.9 डिग्री। ये किसका है? 3424 का। बट हमें तो क्या फाइंड करना था? 0.3430, ठीक है। अब 18.9 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कि भी 18 डिग्री और 9 के 0.9 के ऊपर क्या लिखा है? 54 टाइम्स सेकेंड, ऐसा ये भी लिख सकते हैं। 18.9 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 18 डिग्री 54 सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। अब ये रीडिंग हुई 0.3424 की, हमें चाहिए 0.3430। कितने कम है? बोले 6 का डिफरेंस है। अगर इसमें मैं 6 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा, तो वो 6 का डिफरेंस कहाँ से लाना है? तो देखो, ये हमारा 3424 था, उसके जस्ट बाजू में यहाँ पर लिखा है मेन डिफरेंसेस। अब वो मेन डिफरेंस में देखो 6 है, हाँ है यहाँ पे, ये रहा 6। तो 6 की रिक्वायरमेंट थी, अब 6 के ऊपर क्या लिखा है? 2। मेन डिफरेंस में क्या आया? 2। मतलब ये जो हमारा 18 डिग्री 54 सेकंड था, उसमें 2 सेकंड और ऐड कर दो, मतलब क्या हो गया? 18 डिग्री 56 सेकंड। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर 3430 का, कि अगर टेन थीटा 0.3430 है, तो थीटा होगा हमारा 18 डिग्री 56
सेकेंड जिसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 19 डिग्री, मतलब ये जो छाता है वो हमें 19 डिग्री पकड़ना है, पे पकड़ना 90 डिग्री किसके साथ, वर्टिकल डिरेक्शन के साथ 19 डिग्री बनाए वैसे हमें छाता पकड़ना है। ये छाता हो गया जो वर्टिकल के साथ 19 डिग्री बनाए, ऐसे हमें छाता पकड़ना है। रेडी, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 4.1 का सॉल्यूशन। रेडी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हो तो प्रीवियस लेक्चर में फिर से इसको रिवाइंड करना और इसको देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेडी, ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, पे अटेंशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय द सम रियल नंबर। मान लो ये आपके पास है वेक्टर ए, है ना। मैंने मुझे याद आया कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था कि वेलोसिटी है प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डिरेक्शन है पॉजिटिव और उसकी वैल्यू है 5। और अब मुझे वो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर 2, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 2v, मतलब 2 तो एज इट इज, v क्या है एक्चुअली में, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आंसर आएगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर मैंने v को 2 नाम की रियल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, वेक्टर डबल हो गया, तो वही वेक्टर अब हो गया 10 मीटर पर सेकंड का, ऐसा मैंने पढ़ा था। अगर ये 2 की जगह -2 होता तो ये -10 हो जाता, सेम वेक्टर उल्टा आ जाता। रेडी, सो यही चीज अब वेक्टर के एडिशन में हम मर्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वेक्टर है मेरा ए और यहां पे ये एक वेक्टर है ऐसा बी। अब मान लो कि मैं ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो आप वेक्टर को अगर जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो रियल नंबर से और वो नंबर हमारा रियल नंबर पॉजिटिव है तो आपके ओरिजिनल वेक्टर की डिरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी, पर अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी डिरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैं ये वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ लैम्डा नाम के किसी एक ऐसे नंबर से, तो लैम्डा से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कि भाई लैम्डा इंटू ए करूँ तो नया वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। तो अब वो वेक्टर मेरा हो गया ये थोड़ा बड़ा, लैम्डा टाइम्स हो गया, ये लैम्डा ए हो गया। सेम इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2v हो गया, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा ए हो गया। बी को भी मैं एक ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो रियल नंबर भी पॉजिटिव है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा, मान लो मैं उसको म्यू नाम के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नया वेक्टर हो जाएगा म्यू बी। और वो म्यू बी मैंने बोला ना कि अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो डिरेक्शन तो वही रहेगी, अब वैसा ये म्यू बी जो बड़ा हो जाएगा उसको मैं उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, सेम डिरेक्शन में सेम कर देता हूँ, बस लेंथ बड़ी हो जाएगी, हो गया। अब देखो पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है, पहला वेक्टर पहले वेक्टर पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो पहले की टेल से दूसरे का हेड करो तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। बुक में ऐसा बोला कि ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम बोलते हैं ए, तो ए क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी, सिंपल। ए क्या हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ये है आपका टेक्स्ट बुक में का इक्वेशन नंबर 4.8, इक्वेशन नंबर 4.8 और टेक्स्ट बुक पेज नंबर क्या है भाई, ये पेज नंबर है हमारा 69। रेडी, चलो
सो दिस इज़ वेरी इजी। बट नेक्स्ट जो है इसी थियोरी का एक नेक्स्ट पोर्शन, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। देखो अच्छे से देखना, इसका यूज़ कहीं नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि वेक्टर को टू से मल्टीप्लाई करो तो डबल हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, ये तो टेक्स्ट बुक में है इसलिए पढ़ाना पड़ता है। अब जो पढ़ा रहा हूँ रियली इम्पोर्टेंट, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है भाई यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? देखो जो भी एक वेक्टर होती है ना, वो वेक्टर की एक डिरेक्शन होती है, और वो डिरेक्शन को इंडिकेट कौन करता है? यूनिट वेक्टर। मतलब हर वेक्टर के साथ उसका एक छोटा सा एक वेक्टर भी होता है। ये जो छोटा सा वेक्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज क्या है यूनिट वेक्टर्स की? पहली प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर्स वैल्यू इज ऑलवेज वन। यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है? ऑलवेज वन, इसीलिए उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलो मान लो कि यह है वेक्टर ए, तो उसके साथ ही एक और वेक्टर है जिसको मैंने यूनिट वेक्टर बोला है। ये यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये जो ऊपर मैंने ऐसा सिंबल ड्रॉ किया ना, उसको या तो हैट बोलते हैं, या फिर कैप बोलते हैं, या फिर कैरेट बोलते हैं। एन ए हैट, एन ए कैप, या एन ए कैरेट। ठीक है चलो, मतलब ए अगर मेरा वेक्टर है तो एन ए कैप उसका यूनिट वेक्टर है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? वन। तो कोई भी वेक्टर जो होता है, वो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक होती है डिरेक्शन और एक होती है इसकी वैल्यू। अब ये भी वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर वेक्टर ही है, बस उसको एरो की जगह ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अब ये यूनिट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी है? वन। मतलब वैल्यू का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो बचा क्या? डिरेक्शन। मतलब यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज ओनली डिरेक्शन। व्हेन वी हैव टू एनकाउंटर विद द डिरेक्शन, हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलो अब यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं? फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, व्हेन, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेने के बुक में। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू, जब वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, वी गेट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। चलो एक एग्जांपल लेता है। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू, मान लो ये है वेक्टर ए। व्हेन अ वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं हम, वेक्टर ए। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू, वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड करो, तो वो जो वेक्टर है, वी गेट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो हमें इस वेक्टर का क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। रेडी? तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ाएंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर की, नीट के कंसेप्ट, सब कुछ पढ़ाएंगे इसमें।
चलो अगर ये कंसेप्ट में यूनिट वेक्टर में कुछ डाउट हो तो मैसेज कर देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इन फिजिक्स वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ डिरेक्शन। चैप्टर थ्री में हमने उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला था भाई, ये है एक्स डिरेक्शन, ये है वाई डिरेक्शन, और ये जो ऐसे बाहर आ रहा है वो है जेड डिरेक्शन, ठीक है। ऐसे बाहर आ रहा है वो क्या है, जेड डिरेक्शन, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है हमारा जेड, ठीक है। एक्स जो डिरेक्शन है, अब हर डिरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होता है। मान लो कि हम ऐसा बोलते थे कि ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा वाई वेक्टर है, ये हमारा जेड वेक्टर है। सो एक्स एक्सिस जो होता है, या एक्स वेक्टर जो भी बोलो, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है ऑलवेज आई कैरेट, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा बोला हो कि वेलोसिटी इज 5 I meter per second, मतलब मेरी वेलोसिटी की वैल्यू है 5, कौन सी डिरेक्शन में है, आई कैरेट। भाई आई कैरेट किसके लिए यूज होता है, प्लस एक्स के लिए। तो मेरा पार्टिकल प्लस एक्स डिरेक्शन में 5 meter per second की स्पीड से जा रहा है। अगर यहां पे तुमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी में ऊपर एरो है, मतलब वेक्टर है, तो आपको यहां पे डिरेक्शन और वैल्यू दोनों इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम लाइक दैट, ये इसका मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, इसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैरेट, ये ओरिजिन है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का वेक्टर होता है माइनस आई कैरेट, रेडी, क्योंकि नेगेटिव डिरेक्शन में, तो यहां पे डिरेक्शन में माइनस लग जाएगा। चलो प्लस वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, रेडी, मतलब ये जो डिरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। अगर मैंने ऐसा बोला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 J meter per second, मतलब मेरा एक्सेलरेशन कौन सी डिरेक्शन हो गई, प्लस वाई डिरेक्शन में, तो मेरा एक्सेलरेशन प्लस वाई डिरेक्शन में है और उसकी वैल्यू है 10 meter per second square, रेडी। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, माइनस जे कैरेट। अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 minus J meter per second, और इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत बार, -10 J meter per second, दोनों सेम है, 12 तक इसको याद रखना, दोनों सेम है, कि माइनस है मतलब ये माइनस इसका है, मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस डिरेक्शन में, माइनस पर कौन सी डिरेक्शन, माइनस वाई डिरेक्शन में, माइनस वाई डिरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू से, उसकी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब वैसे होगा जेड एक्सिस, प्लस जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैरेट, मतलब अगर मेरा जेड एक्सिस ऐसे बाहर आ रहा है तो ऐसे, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, ये प्लस जेड है, और ये पेज के नीचे, टेबल के नीचे जो जाएगा अंदर, वो हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस के कैरेट। अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है +15 K meter per second, तो मेरा पार्टिकल के कैरेट, मतलब प्लस जेड डिरेक्शन में ऐसे 15 की स्पीड से मोशन कर रहा है। और अगर होता V = -5 K meter per second, तो माइनस है मतलब ये माइनस इसका है, तो अब मेरा पार्टिकल नेगेटिव K, मतलब नेगेटिव के मतलब नेगेटिव Z डिरेक्शन अंदर, इसके अंदर जा रहा है, K
कितनी स्पीड से, 5 मीटर की स्पीड से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अंदर जा रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सारे यूनिट वेक्टर है, जिसके ऊपर कैप लगता है ना उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। रेडी, चलो, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1। चलो, तो यहां से अब एक चीज हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये एक एग्जांपल ले लो कि भाई v वेक्टर क्या था, 5i कैरेट मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया कि भाई वेक्टर को हम वैल्यू और डायरेक्शन दोनों से भी लिख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अ वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन, या फिर उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब बाय प्लेसिंग टूगेदर। ठीक है, तो ये याद रखना, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू एंड अलोंग विद द वैल्यू यू हैव टू पुट इट्स डायरेक्शन, मतलब उसका यूनिट वेक्टर। तो आपकी बुक में ऐसा दिया है कि a इज इक्वल टू a इंटू n कैरेट। रेडी, a इंटू n कैरेट। चलो, सो देखो, हाँ, अब बुक वालों ने क्या किया है कि भाई हम यूनिट वेक्टर को ऐसे ही लिखेंगे, बट यूनिट वेक्टर है, अब वेक्टर है तो वेक्टर को बोल्ड फॉन्ट में भी लिखते हैं, तो उन्होंने बोल्ड फॉन्ट में लिखा और कुछ नहीं। ये आपकी बुक में इक्वेशन है 4.10, ये है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70। ठीक है, सो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन, और उसका एक एग्जांपल मैंने दिया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से बहुत कुछ हमें पढ़ना बाकी है, सो वो जो बहुत कुछ है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा, क्योंकि अभी मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा तो वो सब मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, पढ़ना इसको अच्छे से।